वन विभाग द्वारा प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या का वास्तविक आंकलन करने के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से गढ़वाल वन प्रभाग में वन्य जीवों की संख्या का संपूर्ण डाटा एकत्र करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से वन विभाग के कर्मचारियों को वन्य जीवों की वास्तविक स्थिति की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे गढ़वाल वन प्रभाग में वन्य जीवों की सटीक जानकारी प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा सके। आने वाले समय में इसका फायदा यही होगा कि हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे राज्य में कितने जानवर है। अगर हम कह रहे कि हमारे जानवरों की संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वो किस बेसिस पे कहेंगे? हमें नंबर होने चाहिए, हमारे हाथ में एक संख्या होनी चाहिए, तो उसके बाद ही हम कुछ। और इसके अलावा एक मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, मैनेजमेंट के लिए हमें जानवरों की संख्या का अनुमान हमेशा ज़रूरी होता है। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जानवर कितने हैं। रेंजर पौड़ी अनिल कुमार भट्ट ने बताया कि वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के सहयोग से वन्य जीवों की वैज्ञानिक गणना करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण संस्थान से आए ट्रेनरों द्वारा दिया जा रहा है। वन्य जंतु गणना का जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान से लोग रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आए हुए हैं और वो समस्त स्टाफ को जो है यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग जो हैं जो जंगल की जो एक्सरसाइज है उसको करके आ रहे हैं। वो एक फिजिकल मतलब इसको मॉक ड्रिल भी आप कह सकते हैं, इसको जंगल में करना है और 20 से 24 के बीच में दिसंबर में हमको इसके अपने क्षेत्रों में बंदर और स्तनपाई पक्षी वर्ग इन सब की गणना करनी है साइंस सर्वे के तौर पर। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज